तो अभी सुबह के करीब 7:30 हो रहे हैं और आज का मौसम देखिए बादल लगे हुए हैं, लग रहा है बारिश आ सकती है। और माँ की तैयारी हो चुकी है घर को जाने की, सामने पे चले गई है। आज थोड़ा लेट से हमको धूप दिखाई दी है और सामने के गांवों में ना हर जगहों पे शादियां हैं आजकल, तो डीजे हर जगह बज रहा है। रात को यहाँ पूरा शोर रहता है पूरी इस घाटी में। बाकी यहाँ पे पापा जी लगे हुए हैं डेंटिंग पेंटिंग करने पे, क्योंकि थोड़ा बहुत कुछ रह गया था, अब यहाँ पे आगे हैं तो ये छोटे मोटे काम ना होते जाएंगे। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी दिन के करीब 1:30 बज रहे हैं और आज के दिन की शुरुआत में काफ़ी लेट से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सुबह से मैं वीडियो एडिटिंग पे लगा था। आजकल शादियों में इतना बिजी हो गया था, एडिटिंग करने का टाइम तक नहीं मिल पा रहा था। मम्मी पापा तो परवाड़ी जा चुके हैं और अब मैं लंच करने के लिए जाता हूँ। और बाहर देखिए तेज़ हवाएँ चलनी स्टार्ट हो गई हैं, पता नहीं ये हवाएँ ना आजकल सारा कुछ गड़बड़ कर रही हैं। और जिनके यहाँ शादी है ना उनको तो बहुत दिक्कत हो जाती है हवाएँ तेज चलने से। और 3-4 दिनों से मैं मार्केट नहीं गया, मेरी बाइक मार्केट में ही खड़ी है। और मैंने सुना है कि मेरी बाइक पे किसी ने छेड़खानी करी है, देखते हैं कितना नुकसान करा हुआ है। आजकल डेली का यही सीन है, दिन होते ही मौसम गड़बड़ हो जाता है, शाम के हर टाइम पे तेज़ हवाएं चलती हैं, न तो बारिश आती है और न ही ये धुंध हटती है, पता नहीं क्या होता है। तो अभी मैं मुनसुना मार्केट में पहुँच चुका हूँ और यहाँ देखिए बाइक के हाल कुछ ऐसे करे हुए हैं, मतलब कि इस पर जिस दिन मैंने यहाँ पर पार्क करी थी दोनों मिरर थे और देखिए मिरर तोड़े हुए हैं। ये तो ज़बरदस्ती तोड़ा हुआ है यहाँ से, ये वाला देखिए, मतलब कि इतना जोर लगाया कि ज़बरदस्ती टूट गया और यहाँ वाला ऐसे निकाला हुआ है। तो यहाँ मामा जी की दुकान पे मैंने रखे हैं, ये भाई आया है आर्मी में रहता है, आजकल छुट्टी आया हुआ है, थोड़ी देर हाथों दस्ती सर। जबकि यहाँ मार्केट में ना सबकी बाइक ऐसे लगी रहती हैं, कोई भी नहीं छेड़ता, लेकिन कुछ कुछ होते हैं ना उपद्रवी तत्व जिनको बोलते हैं, पता नहीं बाइक का नुकसान करने में क्या मज़ा आता है। और ये है मिरर, ये देखिए एक तो मतलब इतना मुड़ा हुआ था ये इधर साइड वाला कि इसको निकाल के रख दिया था पापा जी ने, और दूसरा वाला ना बिल्कुल तोड़ा हुआ था, मतलब ये इतना जो मेटल है ये तोड़ना कोई आसान काम नहीं है। और ये दूसरा भी देखिए यहाँ से क्रैक हो रखा है हल्का सा, ये देखिए मतलब टूट ही जाएगा ये पूरा। और कुछ दिन पहले ना मेरी बाइक का जो फ्यूल टैंक का जो पाइप है ना वो भी काटा हुआ था, सेम ऐसे दूसरे की बाइक के साथ भी हुआ यहाँ मुनसुना में। तो मतलब कुछ कुछ लोग ऐसे हैं ना ये कि मतलब कि लोकल एरिया को बदनाम करते हैं। अब हम बोलेंगे कि भाई यहाँ ऐसे हुआ, लोग विश्वास नहीं करें, लोग बोलेंगे कि पहाड़ों में भी ऐसे होता है, लेकिन होता है, एक दो की वजह से ना सारा पहाड़ बदनाम हो जाता है, सारे पहाड़ का ऐसा कुछ सीन है भाई। अब मैं निकल पड़ता हूँ यहाँ से घर की ओर। बाइक ना बिना मिरर के अजीब सी लग रही है क्योंकि मुझे बिना मिरर के चलाने की आदत भी नहीं है और मुझे अजीब सी दिखती है बाइक ऐसे में। खैर जिसने भी ये काम करा है उसका भी भला हो, क्या कर सकते हैं। पर एक चीज़ कहना चाहूँगा ना, अगर वो बंदा ये वीडियो देख रहा है ना भाई, अगर मेरे से कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी बात है, तो सामने पे आके बात करो, ऐसे पीठ पीछे ना किसी की बाइक का नुकसान करना, किसी की चीज़ों का नुकसान करना ये सही बात नहीं है। जिस दिन ऊपर वाले की मार पड़ेगी ना उस दिन पता चलेगा, उस दिन ऐसे रोओगे ना कि फिर याद आएंगी ये सारी करतूतें। अभी शाम के करीब 5 बज रहे हैं और आज बहुत दिनों के बाद एक डब्बे पे पानी ले आते हैं धारे से, थोड़ा बहुत धारे की सैर भी हो जाएगी क्योंकि अब इस वाले घर पे हम कम ही रहते हैं, दिन के टाइम पे आते हैं सिर्फ यहाँ, रात को और सुबह के टाइम पे तो नए वाले घर पे ही रहते हैं। इस धारे की ना पानी की बात ही कुछ अलग है, गिरिया में हमको ना अभी पाइप की स्मेल सी आ रही है क्योंकि प्लास्टिक का पाइप लगा है ना, यहाँ शुद्ध स्रोत से निकला हुआ पानी सीधे हम पी लेते हैं यहाँ से, तो इस पानी का स्वाद कुछ अलग ही आता है। आजकल यहाँ ना हर जगह हरियाली बढ़ने लगी है और बहुत ही गजब का माहौल हो रखा है, पक्षियाँ चहचहा रही हैं, नेचर का साउंड प्यारा ही लगता है। शाम के करीब 6 बजने वाले हैं और अब तैयारी करते हैं गिरिया जाने की। और आज मैं अपने साथ अपना सिल्वर प्ले बटन भी ले जा रहा हूँ नए घर पे, क्योंकि यहाँ मैंने ना इसको ऐसे ही इसके बॉक्स में रखा था, कहीं पे लगाने का मेरे को लगा नहीं कि यहाँ लगाना चाहिए, अब सीधे गिरिया वाले घर पे लगा देंगे इसको, थोड़ा सा मतलब वहाँ पे सेटअप बन गया है। तो चलिए जी अब तैयारी करते हैं गिरिया को जाने की। और यहाँ देखिए जो गिरिया के घसारी है ना वो घास के बड़े बड़े भरे, इतनी चढ़ाई पे यहाँ से गिरिया तक ले जाएंगे। आज यहाँ पे पता नहीं है स्कूटी किसकी खड़ी है, जय बाबा केदार, लोकल ही होंगे यहीं के कोई। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मैं अपना कैमरा किस पे देखूँ, ऑन है या ऑफ है, बड़ी दिक्कत हो रही है। और उससे भी बड़ी दिक्कत की बात यह है ना कि मैं पीछे कैसे देखूं, क्योंकि मुझे ना बिना मिरर के बाइक चलाने की आदत बिल्कुल भी नहीं है। अब हम डेली सुबह को परवाड़ी आते हैं और शाम को गिरिया चले जाते हैं नए घर पे, तो कई लोगों ने बोला कि क्यों ना अपनी गौशाला वहीं बनवा दीजिए। तो वहाँ गौशाला वैसे हम बना सकते हैं, लेकिन दिक्कत एक ही आएगी कि वहाँ घास कहाँ से लाएंगे उतना हम गाय बैल के लिए, क्योंकि यहाँ हमारे खेत हैं और घास के पेड़ पौधे हैं तो जिनसे कि हम घास की पूर्ति कर पाते हैं, लेकिन अब गिरिया जाएंगे तो वहाँ दिक्कत होगी हमें। और फिर ट्रक ऐसी जगह पर आया कि ऊपर से पत्थर गिरने का डर भी है और यहाँ नीचे सीधे खाई है।
माँ तो निकल पड़ी है घर के लिए, और मुझे ना आगे पे शुभम फोटो स्टूडियो पे जाना है। वहाँ पे जो अंकल जी हैं उनसे रोशनी की शादी के कुछ फुटेज लेनी है। मैं शूट कर नहीं पाया था वहाँ टाइम से, तो मैं पहुँचा नहीं। तो अभी मैं आया हूँ मनसूना में शुभम आर्ट पे। यहाँ पे हमारे अंकल जी हैं जो कि रोशनी की शादी में फोटोग्राफर थे, और यहाँ पे इनकी ये दुकान ना बहुत पहले से है। मुझे याद है जब मेरा स्कूल का पहला दिन था ना, तो हम यहीं पे आए थे फोटो खिंचवाने के लिए, और मेरे को इंटर करे हुए करीब 10 साल हो गए। तो सोचिए कितने पहले से यहाँ पे अंकल जी की दुकान है। तो थैंक यू अंकल जी हमको अच्छे से शॉट देने के लिए। और अंकल जी से संपर्क कर सकते हैं आप, जैसे लोकल में शादी हो गया या कोई पार्टी पुल्टी में शूट करने के लिए, तो उनका नंबर यहाँ पे आ रहा होगा। तो और पुराने जो कैमरे रहते थे ना, उन पे ऐसी रील यूज होती थी, मतलब देखिए जमाना कहाँ से कहाँ आ गया। और यहाँ पे अंकल जी के पास ना बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें हैं, मतलब कि जो पहले यूज होती थी फोटोज़ और वीडियोज़ को सेव करने के लिए। मतलब ये थोड़ा आगे की है, उससे पहले इतनी बड़ी बड़ी टेप देखिए, मतलब इनके अंदर जो वो है ना रील है वो घूमती रहती है, और इस पर लगभग 3 घंटे की रिकॉर्डिंग होती थी। तो सोचिए ज़माना कहाँ से कहाँ आ गया। तो चलो जी, सोलर प्ले बटन भी पहुँच चुका है अपने नए वाले घर पे, और अब मैं सोच रहा हूँ ना इसको यहाँ कहीं दीवार पे टांग दूँ। तो आप बताइए कि कहाँ पे लगाना चाहिए मुझे सोलर प्ले बटन, यहाँ बीच सेंटर में, उस साइड या उस साइड, या इस वाली दीवार पे। तो देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे वीडियोस बनाऊँगा तो यहाँ पे अगर लगेगा तो सही रहेगा, बाकी इस ठीक लोगों के नीचे भी लगा सकते हैं। अभी तो मैं इसको ड्रॉवर में ही रख लेता हूँ, अभी तो इसकी जगह यहीं है कुछ दिनों तक। गुड मॉर्निंग दोस्तों, यह है अगला दिन, और अभी सुबह के करीब 11 बज रहे हैं, और पापा जी भी आ गए हैं जहां दुल्हन को भेजने गए थे कल सुबह सुबह आ गए थे। आज का हमारा पहला काम वैसे था सामने पे मिरर लगाना, लेकिन बाज़ार गए और वहां से ड्रिल तो मिली नहीं, हम पे अभी है नहीं, किसी से मांग से ले आनी है। तो अब काम ये करेंगे, जो वॉशिंग मशीन हमने अभी अंदर कमरे में रखी है उसको फिट करेंगे। वॉशरूम हमारा काफ़ी बड़ा है, उसमें ही फिट करेंगे। दिन के करीब 1 बज रहे हैं, और आज पहली बार मैंने वॉशिंग मशीन सेट करके उसमें कपड़े धोए हैं, तो अच्छा लगा उसमें कपड़े धो के। मतलब कोई टेंशन नहीं है, बस ऑन करो, कपड़े सूख के, आधे आधे सूख के तैयार हो जाते हैं। और मुझे अभी सुखाने थे, लेकिन ऊपर छत पे मैंने तार नहीं लगाई है, तो एक नायलॉन वाली रस्सी लेनी पड़ेगी और वो लगानी पड़ेगी। फिर चिमटियाँ भी नहीं है, वो भी लेनी पड़ेंगी। अब नया घर है तो यहाँ सब चीज़ें जोड़नी पड़ेंगी, और आजकल वैसे भी तेज़ हवाएँ चलती हैं, मौसम देखिए कितना गड़बड़ हो रहा है, तो चिमटियाँ बहुत ज़रूरी हैं। अब मैं निकल पड़ता हूँ घर की ओर परवाड़ी लंच करने के लिए। ये है काजल। तो स्कूल टाइम में जब भी हमारी छुट्टी होती थी तो घर के ऊपर में हमारे काफल के बहुत सारे पेड़ हैं, तो आजकल काफल लगे रहते थे, हम मस्त बैठे रहते थे काफल के पेड़ों पे। अभी कोरे हैं ना, तो उस टाइम पे कोरे भी खा लेते थे, वो खट्टे होते थे, और जब पक जाते हैं तो बहुत मीठे होते हैं। यहाँ आके ना एक अलग ही सुकून मिलता है, पक्षियों की चहचहाट सुन रहे होंगे आप, आजकल हर जगह पे यही सब माहौल रहता है। बाकी आप जल्दी से लंच करते हैं, और शाम के टाइम पे हो सकता है कि मैं बाइक भी ठीक करवा सकता हूँ, बाइक पे जो मिरर टूटे थे ना वो लगवा सकता हूँ, अगर मनसूना में मिलेंगे तो। शाम के 5 बज रहे हैं, और आज बहुत दिनों के बाद मैं ज़रा गौशाला की तरफ जाता हूँ मम्मी पापा के साथ। माँ दूध धोने के लिए जा रही है, और पापा जी बस पानी का एक डब्बा हाथ में है, और यहाँ धारे के पास में पहुँच चुके हैं। बहुत दिनों के बाद यहाँ पे मौका मिलता है आने का अब, और धारे के पास में हमारा एक खेत है जिसमें कि गेहूँ जो है वो अच्छे से पक गया था, तो उसकी पूलियाँ बना के उसको ऐसे रख दिया है। अब इसको यहाँ से घर ले जाएंगे, तो हल्का कच्चा भी होगा तो पहले ही निकाल दिया, अब जो हरा हरा है ना उसको एक बार पकने देंगे अच्छे से। और अब यहाँ से मुझे इस बाल्टी पे पानी गौशाला को ले जाना है, बालों की हालत ख़राब हो रखी है क्योंकि दिन में ना लंच के बाद एक अच्छी सी नींद आई। आजकल ना दिन के टाइम पे जो गाय बैल है ना वो अंदर बांधे रहते हैं, क्योंकि दिन के टाइम पे भयंकर तेज़ धूप होती है, जिस वजह से उनको गर्मी ना लगे अंदर बांधे रहते हैं, बाकी एक दरवाज़ा ऐसे ही खुला छोड़ा रहता है। और यहाँ गौशाला के पास में ना ये नाशपाती का एक पेड़ है, इस पर देखिए नाशपाती लगने लगी छोटे छोटे, अभी तो कच्चे ही हैं, कुछ टाइम में पक्के तैयार हो जाएंगे। और यहाँ गौशाला के पास में ना अब थोड़ा पेड़ पौधे चेंज हो रहे हैं, देखिए इतना बड़ा ये जामुन का पेड़ हो गया यहाँ पे, मतलब यहाँ भी मौसम चेंज हो रहा है। साथ साथ यहाँ पे एक ना आम का पेड़ भी हो रखा है, इस पर आम भी लगे थे, छोटा पेड़ है लेकिन आम लग जाते हैं। और सामने पे एक ट्रक चल रहा है, उसका हॉर्न कुछ मज़ेदार है,
तो मजा आता है ऐसे हॉर्न सुन के। और यहाँ पे ये गाय ना हमेशा मेरे को मारने के लिए आती है, पता नहीं क्यों। उसका छोटा बच्चा है ना, उसको लगता है कि कहीं कोई अटैक ना कर ले उस पे। माँ ना अभी भी यहाँ से एक बोतल पे पानी ले जाती है नए वाले घर पे, कि वहाँ के पानी का स्वाद नहीं आता। बल तो मतलब आदत आदत पर डिपेंड करता ना, क्योंकि जब से आए हैं तब से यहीं का पानी पिया है। खैर मैं तो वहाँ के पानी की आदत डाल रहा हूँ, चाहे प्लास्टिक की स्मेल आए चाहे कुछ आए। तो अब जल्दी से निकल पड़ते हैं गिरिया की ओर, क्योंकि सामने वाली पहाड़ी से बारिश आ रही है और गिरिया की ओर से भी वहाँ पहाड़ियों से बारिश दिखाई दे रही है हमें। और आज ना ज़रा ठंडा सा महसूस हो रहा है, क्योंकि हवाएं चल रही हैं, ऊपर ऊपर पहाड़ों में बारिश हो रही है, तो ठंडा तो लगेगा ही। और मुनसुना मार्केट में आते ही देखिए बारिश स्टार्ट हो गई है, सामने के पहाड़ों से भयंकर बारिश लगे जा रही है। और यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा देखो मार्केट से घर को अपने सामान ले आ रहा है। हेलो किचौते पर आटू आटा है बल इस थैले में बल। और बारिश भी लग रही, हल्की हल्की बूंदें आपको दिखाई दे रही होंगी ना कैमरे में। आजकल लाइटिंग का काफ़ी काम बच गया है, रात को तो जल्दी से नींद आती है तो लाइटिंग टाइम से हो नहीं पाती है। तो ऐसे कुछ थे हमारे ये दो दिन। और अभी मुझे बाइक में ना मिरर भी लगवाने हैं, तो देखते हैं कल अगर टाइम मिलेगा तो ज़रूर लगवा देंगे। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं लोग राणा मिलता हूँ आपसे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय देवभूमि उत्तराखंड। और आज फिर देखिए ऊपर पहाड़ों में बर्फ़बारी हुई है, मतलब कि यहाँ आज काफ़ी ठंडा होने वाला है। और माँ और हमें तो यहाँ बहुत ठंडा लग रहा है।